तीन चीजें मुबशर, हमारा जो ब्यूरोक्रेट है ये एक काला अंग्रेज है, जो गोरा छोड़ गया था ना अपनी वो बड़ी बड़ी चीजें, कि एक काले अंग्रेज साढ़े को टक्कर गए। एक दूसरा, सारे नहीं, कई लोग हैं, खुदा की कसम, ये सेक्रेटरीज हैं या इस तरह के लोग, दे डोंट इवन मीट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर सर्वेंट्स बिल्कुल ऑफ पाकिस्तान एंड दे डोंट इवन मीट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। व्हाई? और तुम हमारे टैक्स से पैसे खा रहे हो, तुम हमारे सर्वेंट्स हो एंड यू डोंट इवन मीट द पीपल। मुझे कभी भी बर्तानिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वेदर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, या कोई एनी अदर मिनिस्टर। बिलीव मी यार मुबशर, मैं जाई गया हूँ फॉरेन सेक्रेटरी, ये क्या था, ये होम सेक्रेटरी जैक स्ट्रॉ, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। एक मैंने उसको मिला किधर, मुझे हाउस ऑफ कॉमन्स में, मैं क्या जैक इस तरह, मैं क्या जैक, आई एम फ्रॉम यू नो सो एंड सो चैनल एंड इज इट पॉसिबल दैट आई कैन इंटरव्यू यू, इज इट श्योर, कम ओवर। खुदा की कसम से मुझे टाइम दिया, मैं अगले दिन जाके उधर विक्टोरिया स्ट्रीट इंटरव्यू कर रहा है। वो अच्छे थे तो लगना कोई नहीं, हाँ यहाँ मिलेंगे आपको मुबशर इलेक्शन से पहले, हर चैनल पे ये बैठे होंगे, लोगन बिल्कुल, गोलियां दे रहे होंगे, ये वो फलाना। मैं तो पीजे फ्रीक्वेंट रिक्वेस्ट भेजता हूँ और मैं एक बड़े अदारे से मुंसलिक हूँ, लेकिन जब आप उन्हें इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भेजते आप, तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो कहते हैं अभी तो टाइम नहीं है। अच्छा फिर आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चनेयर भेज दीजिए और फिर प्रॉमिस कीजिए कि आप आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये उनके मीडिया मैनेजर्स हमें बता रहे होते हैं, और वो इंटरव्यूज की तारीख ये होती है 3 3 माह, 2 माह, अभी टाइम नहीं है। हाँ चैनल्स पे, अगर किसी ब्रांडेड चैनल पे जिस पे आप भी काम करते रहे, मैं भी करता रहा हूँ, वहां से फोन आ जाए, यानी मुझे तो पता है कि मैं एक बहुत बड़े शो को देखता था, वहां तजिया करता था, लेकिन साथ में अक्सर गेस्ट मेरे थ्रू ही आते थे उस शो में, जियो की बात कर रहा हूँ, तो फोन आया करते, यार हमारी एक एंट्री प्रोग्राम में नहीं दिलवा देते। तो ये बुनियादी तौर पे अजीबोगरीब लोग हैं। लेकिन पीजे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी, आईपीपी की बात, वो माफिया है यस, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है डैम्स बनाने की, और ये भी हकूमत की कमजोरी। अगर आईपीपी माफिया है, ये भी हकूमत की कमजोरी, और अगर लाइन लॉसेज हैं, बिजली चोरी हो रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये भी आप हुक्मरानों की कमजोरी है, बल्कि नाकामी है, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हकूमत हो, हर हकूमत के दौर में आईपीपीज का माफिया कायम रहता है। आपके जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट नए शुरू नहीं होते, बल्कि जो पुराने होते हैं वो भी अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे होते, उसकी वजह भी पीजे ने चूंकि बताया कि जो हाइडल है वो माफिया है, आईपीपीज माफिया है। और तीसरी बात, लाइन लॉसेस तो एक जो होते हैं वो एक बहुत बड़े माफिया, जिसमें मीटर रीडर से लेके ऊपर तक के लोग शामिल होते हैं। तो ये तमाम हुकूमतों की फेलियर है ये, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं, बड़े बिल दे के अपने बच्चों को भूखा रख के अपना पेट काट के, बल्कि मेरे जैसे लोग तो शायद सिगरेट के ब्रांड चेंज करके उनको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम में पीजे इतनी बैशिंग काफी, अगर आप कुछ मजीद कहना चाहें। नहीं बिल्कुल, ये भी लो, मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि जिस कौम के लीडर्स को गार्ड्स चाहिए, गार्ड्स चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, उनको चाहिए सियासत छोड़ जाएं, क्योंकि हमें वो लीडर्स चाहिए जो कि न डर हो, खड़े हैं लोगों के अंदर, और आए, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, वो बात है ना, ऐसी बातों से क्या घबराना। तो बिल्कुल बात यही है कि आप मत डरे, अगर आप हैं आवाम के सही नुमाइंदे, आपको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी वो ये गनमैन एंड ऑल दैट की जरूरत नहीं है, आप जाएं आवाम में मिलें और आपको आवाम सहराएगी। और अगर आप ये बख्तरबंद गाड़ियां, तो बुलेट प्रूफ, तो नाल ये वो फलाना, ओ मेरे भाई, आप वैसे आइसोलेटेड हैं, आप और आइसोलेट हो जाएंगे आवाम के साथ। आवाम में मिलो, जाओ आवाम की कॉल को उठाओ, अवाम, ये मुझे ये जो मरियम कर रही है मुझे अच्छी चीज लगती है, ये जाती है लोगों के अंदर, आई लाइक इट, ये इसके अंदर मुझे रोशनी नजर आ रही है, अल्लाह करे इसको अच्छी गाइडेंस है, ये और आगे जाएगी, हमें ऐसे चाहिए। और दूजे तो इस तरह बहन ने, आपने सही बात की है, फोन का जवाब नहीं देते यार, फोन का जवाब नहीं देते ये लोग, और ये नहीं आज की गवर्नमेंट, ये अक्रॉस द बोर्ड मैंने देखा है एक्सेप्ट जनरल मुशर्रफ टाइम।
एक्सेप्ट जनरल मुशर्रफ टाइम, हर बंदा आपको जवाब देता था, गवर्नमेंट के इन हो या बाहर हो, आपसे बात करता था यार. व्हाट अ पीरियड, व्हाट अ गोल्डन पीरियड. ये आ जाते हैं पीछे, उसके बाद देख लो. कुछ वजादार पॉलिटिशियंस हैं जो अगर आपका फोन अटेंड ना करें तो वो आपको रिंग बैक जरूर करते हैं या करते हैं, मैसेज कुछ है, बिल्कुल सही है, करते कुछ हैं, अच्छे वजादार लोग हैं. हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो उनमें ज्यादा ये चीज पाई जाती है। जो नई जनरेशन आई है उसके बारे में, जनरेशन एक्स कहना चाहिए उसे, वो कम अज कम जो है वो इस तरह नहीं करते। और आपकी और बात से मुझे जी मुबशर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज मैं आपने जरा मुझे वो थोड़ा सा इमोशनल कर दिया. वो यार ये शहबाज शरीफ मेरे पीछे पीछे लंदन में भागा करते थे यार, आज मैं इनको कॉल करता हूँ एज अ प्राइम मिनिस्टर, जवाब नहीं आंदा अंदरों. मैंने हर प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया, खुदा की कसम मुझे जवाब आया है. हैट्स ऑफ टू पीपल लाइक यूसुफ रजा गिलानी, हैट्स ऑफ टू शौकत अजीज, हैट्स ऑफ टू जमाली, हैट्स ऑफ टू चौधरी शुजात, यार जितने आए बेनजीर. यार क्वेश्चन इज ये जवाब दे, वो ये जवाब ही नहीं देते. एंड यू रियली थिंक आई विल सपोर्ट पीपल लाइक दैट? नो आई वोंट. आई विल सपोर्ट दोस पीपल हु आर पीपल फ्रेंडली एंड हु वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. आई डोंट वांट पीपल यार दरवाजे के पीछे जवाब ना दो. हाँ आउट ऑफ पावर ताड़े फोन आ रहे हैं. बिल्कुल, व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप डू वी हैव? दिस इज व्हाट आई कॉल लीडरशिप. शहबाज शरीफ को लेके आए वो फिर भी बेहतर है, खुदा की कसम. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। और दूसरी बात, मैंने वो कहा ना, ये वजादार होना भी जो है ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। बड़ी चीज और है यार, नवाज शरीफ वजादार आदमी.